तो आज हम अपनी कुछ डेवलपमेंट करेंगे कैनोनिकल uh, एक्साम्पल्स के हवाले से तो ये क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है जो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था ना उसके अंदर हमने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे जो आपके पास एनर्जी थी जो वॉल्यूम शेप इसके अलावा और भी कोई अगर बी फील्ड अप्लाइड थी या ई फील्ड अप्लाई की हुई थी तो इन तमाम चीजों को हम लोगों ने कांस्टेंट uh, कॉन्स्टेंट किया था सिर्फ जो चीज चेंज हो रही थी दैट इज डी जनरेसी जो डी जनरेसी थी इसकी मद में बाकी तमाम चीजें जो है वो हमारे पास कांस्टेंट थी अदर देन द डी तो इस तरह की जो हमारे पास इन्साम्पल्स थे उनको हमने कैनोनिकल इन्साम्पल्स कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के सामने एक डिस्कशन भी की थी और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम को जी जिसकी सिर्फ डी चेंज हो रही थी जब हमने हीट बात से कनेक्ट किया तो वहां पर हीट ट्रांसफर होगी एनर्जी ट्रांसफर होगी यानी कि अब हम जो एस्पेक्ट लेके आ रहे हैं उनमें हमारे पास एनर्जी जो होगी वो चेंज होगी ठीक है एनर्जी के चेंज की वजह से अब हम देखेंगे कि उसके अंदर उस सिस्टम को यानी जो पहले आइसोलेटेड सिस्टम था उसको बेसिकली एनर्जी चेंज का मतलब ये हुआ कि उस आइसोलेटेड सिस्टम को हमने इन इनकॉन्टेक्ट कर देना है किसी भी हीट बात के साथ जब हम उसको किसी हीट बात के साथ इन इनकॉन्टेक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर क्या चीजें चेंज होंगी और इस एनसाम्पल्स को हम जिसके अंदर एनर्जी चेंज होती है इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल इनजाम्पल्स ठीक है जी अच्छा एक और बात भी आप लोगों ने अपने जहन में बिठानी है कि आ, इनके डिफरेंट सेट्स बनते हैं जैसे कैनोनिकल इन्साम्पल्स हैं उनके अंदर आप एनर्जी को चेंज करेंगे माइक्रो कैनोनिकल इन्साम्पल्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता मास मासजेनरेसी के आगे ग्रैंड कैनोनिकल इन्साम्पल पढ़ेंगे वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे जो कि हमें केमिकल पोटेंशियल की तरफ लेके जाएंगे तो इस तरह से बेसिक चीज़ों को आपने अगर गौर से अंडरस्टैंड करना है तो तभी आपको ये बातें थोड़ी समझ आएंगी अच्छा अब मैं ना यहाँ पे आपके लिए बनाता हूं कि लेट से हमारे पास कोई सिस्टम है ए और इस सिस्टम की अपनी एक एनर्जी है तो अब इस सिस्टम को अगर इसकी एनर्जी है और जो बाकी रिमेनिंग है इस सिस्टम के अलावा फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सिस्टम ए है तो ये अदर देन जो सिस्टम जो बाकी चीजें इसके इधर उधर रह जाएंगी इनको हम रेजर वायर बोलते हैं जो कि एनवायरमेंट कहलाता है बेसिकली रेजर वायर आर अच्छा अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम रेजर वायर की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो ये बेसिकली क्या होगा टोटल एनर्जी माइनस ऑफ यू ऑफ ए यानी कि जैसे आप कहते नहीं होते कि टोटल एनर्जी है तो टोटल एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी एनर्जी ऑफ द सिस्टम ए प्लस एनर्जी ऑफ द रेजर वायर तो इन दोनों की एनर्जी जो है वो टोटल के बराबर होगी तो यहाँ से अगर हम एनर्जी ऑफ रेजर वायर को निकाल लें तो वो एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी माइनस ऑफ द एनर्जी ऑफ सिस्टम ए हो जाएगा अच्छा अब लेट्स से कि हमारे पास कोई जो आपको पता है ना कि जो हम पिछले प्रीवियसली काम करते रहे हैं उसमें हम ये कहते रहे हैं कि हम हमेशा नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ डील करते हैं लेट्स से हमारे पास कोई नंबर ऑफ स्टेट्स हैं असेसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स नंबर ऑफ असेसिबल स्टेट्स ये चीज होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये कहते हो ना कि नंबर ऑफ असेसिबल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम ए हैविंग द एनर्जी यू ऑफ ए एंड मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ Uh, accessible states of 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 the the rest system. That is total energy minus of U of A, reservoir तो ये, ये चीज है ना ये बेसिकली क्या है यहाँ पे ही और ये जो है ना ये आपका system A है जिसको आप consider कर रहे हो अब फॉर एग्जाम्पल हम इसकी थोड़ी आसानी के लिए हम यू कहते हैं कि हम अगर किसी सिस्टम को देख रहे हैं तो उसकी कोई आयत स्टेट देखें तो जब उसकी आयत state को हम देखेंगे किसी सिस्टम ए के लिए तो उसकी जो आइगन वैल्यू होंगी उसकी वैल्यू लेट से हमारे पास डब्ल्यू आई e जो है ना वन मिलेगा यानी कि एक एक क्वांटम स्टेट हमारे पास आना शुरू होगी तो अगर इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम अपने जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था एस इज इक्वल्स टू के बी हम वायर के अगर इसको देखते हैं तो जब हम वन ओवर टी को कैलकुलेट करते हैं तो टी जो है देट इज के बी नेचुर लॉग ऑफ डब्ल्यू एफ आर तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है और यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो ये यू ऑफ आर और के बी टी दैट इज इक्वल्स टू पार्शल बाई नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू एफ आर तो ये इसके इक्वल आ जाता है अच्छा अब Uh, यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी एनर्जी uh, के लिए जैसे यू ऑफ आर मैंने लिखा डिवाइडेड बाय के बी टी दैट शुड बी इक्वल्स टू द नेचुरल लॉग ऑफ रेजरवर तो अगर हम इन्हीं स्टेट्स के मुताबिक जब इनको कैलकुलेट करते हैं ना तो हम यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको रेजरवर स्टेट्स हैं उनको अगर हम मालूम करना चाहें तो ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कुछ इस तरह से आ जाएंगे यानी अगर हम यहाँ से नेचुरल लॉग को रिप्लेस करते हैं तो ये ये जो ग्यामा है दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसी भी आयत एनर्जी को कैलकुलेट करना था तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज यू ऑफ टी माइनस अब स्पेसिफिक वैल्यू है ई ऑफ आई तो इस ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी दैट इज कॉल्ड ई टू पावर यू ऑफ आर आवर

ठीक है जी यानी तमाम स्टेट्स एक जैसी हैं इक्वली प्रॉबेबल हैं तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को uh, देखते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू ई जे तो अब इसमें ना तमाम स्टेट्स जैसे हमने यहां पे देखा था तो ये एक स्टेट की बात कर रहा है अब ये समिशन है तमाम स्टेट्स का इन, इन, जैसी हर एक स्टेट का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है लेकिन वो कहते हैं इक्वली प्रॉबेबल है, है तो जब हम इनकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये इक्वली प्रोबेबल की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आती है कि हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट की और समिशन साइन ई टू दाइनस ई जे बाय के बी टी ये डिवाइडेड बाय है तो यहाँ से हमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदर uh, होती है उन वो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम काम करना शुरू करते हैं अच्छा अब अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी को मालूम करें क्योंकि हमने भी कहा कि इक्वली प्रोबेबल हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि आपको याद होगा कि बोल्ट्समैन की जो पॉस्टन है वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कि जो स्पेसिफिक स्टेट हैं उनकी हमने टोटल जो स्टेट्स हैं उनके साथ हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो वो इस तरीका कार से लिखा जाएगा कि ये हो जाएगी वो स्पेसिफिक स्टेट और ये हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ स्टेट अच्छा इस आप इसमें आप जरा गौर से देखिएगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है जिसको हमने पी आई एफ स्टेट के लिए कहा तो ये ई टू द पावर माइनस ई आई अवर के बी टी डिड बाय समे ई टू द पावर माइनस ई जे बाय केबीटी के बराबर हो जाएगा तो ये देट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट जो कि इक्वली प्रोबेबल है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इसमें आप जो नीचे जो लिखा हुआ है ना फैक्टर ये बेसिकली जी कहलाता है जी क्या चीज होती है ये जो जी लिखा हुआ है नीचे ये तमाम स्टेट्स का सम है ना ये सम्मेशन साइन आपको ये बता रहा है कि इट इज ऑफ ओवर दी होल्स असेसेबल स्टेट्स तो ये होल असेसिबल स्टेट्स जो हैं उनका सम जो है ना इसको हम बाद में अभी हम यानी कि उसको कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास आ, ये जो ये जो फार्मूला है ना ये वाला इसको तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी बोल्ट प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा और इसमें ये जो नीचे वाली चीज जिसको हमने जी बोला या जेड बोला है ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है पार्टीशन फंक्शन अच्छा और इसमें हमें याद रखेगा कि ये हमें जो फॉर एग्जांपल अगर आप आपने एक लफ्ज आज आप हमारे पास अंडरस्टैंड हुआ पार्टीशन फंक्शन और एक लफ्ज हमने पहले से पढ़ा हुआ था जिसको हमने बोला था वेव फंक्शन अब इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको समझ आ जाएगा ना तो फिर आपको आ, सारी चीज आसानी से समझ आ जाएगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एक तो ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा इसकी बेसिक्स और जरा डिटेल में बता दूं कि जो पार्टीशन फंक्शन है ना इसको जैसे हमने लिखा जी तो सवाल अपने जहन में रखिएगा कि पार्टीशन फंक्शन और वे फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई थी कि जो बोर्ड्सम डिस्ट्रीब्यूशन है माइक्रो कैनोनिकल माइक्रोकनोनिकल्स के अंदर जहां पे हमने देखा था कि एंट्रोपी का चेंज 10 टू द पावर माइनस टेन यानस ट्वेल्व में था तो वहां पर कुछ अनअसेसेबल स्टेट्स असेसेबल हुई थी और वो भी हजारों लाखों की तादाद में हुई थी तो ये इम्पॉर्टेंस थी माइक्रो माइक्रोकनोनिकल एनसाम्पल्स की और एंट्रोपी की आज हम कैनोनिकल एन साम्पल्स को पढ़ रहे थे और इसमें हमने एक ये नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था यह नया फैक्टर हमारे पास एक मैथमेटिकली आई है चीज अब इसकी फिजिक्स हमने अंडरस्टैंड करनी है कि ये क्या चीज है ये बेसिकली एक जर्मन वर्ड था अब मैं अगर इसको सही तरह से लिख सकूं तो इसका बेसिकली इसका मतलब होता है सम स्टेट्स ठीक है सम अवर जितनी भी स्टेट्स हैं सबको आप अपने पास सम कर लें तो इनको हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन अब एक क्वेश्चन ये है कि पार्टीशन फंक्शन और वेव फंक्शन में क्या फर्क होता है तो वेव फंक्शन के बारे में याद रखिएगा कि वेव फंक्शन के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में पार्टिकल के बारे में या उस चीज के बारे में जिसको आप स्टडी कर रहे हैं लेकिन जो पार्टीशन फंक्शन होता है ये सिर्फ आपको वो इंफॉर्मेशन देता है जो कि असेसेबल स्टेट्स से रेलिवेंट होती है यानी जो स्टेट्स आपके पास असेसबल हैं पार्टीशन फंक्शन उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा जबकि वेव फंक्शन कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है अबाउट द फंक्शन अच्छा अब इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई एनर्जी लेवल है ई आई या E1, उसकी जो है, वो हमारे पास जीरो है और लेट से एक और एनर्जी स्टेट है उसकी वैल्यू है पावर माइनस ट्वेंटी थ्री कर लें एंड uh, एक और स्टेट है ई थ्री जिसकी वैल्यू है हमारे पास टू पॉइंट एट टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी थ्री जूल तो वो कहता है कि जी आप इस सिस्टम को हीट बात के साथ अटैच करते हैं जिसका टेम्परेचर जो है ना टू कैलवन है ठीक है अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो सैंपल्स के अंदर सिर्फ पॉइंट वन केलवन टेम्परेचर हमने कल चेंज किया था और हमने पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था पॉइंट वन केलवन के चेंज की वजह से टेंट टू द पावर टेन या टेन टू द पावर फिफ्टीन जो स्टेट्स हैं वो अनऐसेबल से असेसिबल हो गई थी इसलिए टू कैलवन का टेम्परेचर जो है ये बहुत मान्य रखता है और इसकी चेंज की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं तो अब वो कहता है कि जी अगर फॉर इसको आप किसी हीट बाग से अटैच करते हैं जिसका टेम्परेचर टू कैलवन है तो इसके लिए पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करके दें और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर ईच स्टेट कैलकुलेट करके दें तो पार्टीशन फंक्शन तो आपको समझ आ जाना चाहिए समेशन ये जो ऊपर लिखा हुआ है पहले लिखेंगे ई टू द पावर जीरो फिर हो जाएगा ई टू दावर माइनस वन पॉइंट फोर टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी थ्री बाई के बी टी टी की जगह पर आपको याद होगा कि टू के पुट करना है इसी तरह से फिर हम यहाँ पर टू पॉइंट एट द पावर माइनस ट्वेंटी थ्री बाय के बी टी तो जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे और के बी टी की वैल्यू के बी आपको पता है कांस्टेंट है तो जब हम इसकी वैल्यू को एड अप करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू जो है ना तीनों को एड अप करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी कैलकुलेटर पे आप हल करके देख लें तो क्योंकि सारी चीजें वैल्यू एड हैं तो ये 1.9744 इस Z की वैल्यू आ जाएगी। अब अब फॉर एग्जांपल हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर स्टेट तो जो ऊपर है इसकी जगह पर आप ई टू दावर जीरो पावर जीरो को जब पुट करेंगे तो इसकी एक प्रॉबिलिटी आ जाएगी लेट से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मैथमेटिकल इसकी प्रॉबिलिटी आ जाती है इसी तरह से अगर आप कहेंगे

तीसरे की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लें तो तीसरे की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास आ जाएगी अः इसी तरह से जब आप पुट करेंगे उसकी वैल्यू तो E3 की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए 0.186 अब मैथमेटिकली आप इसे हल कर सकते हैं क्वेश्चन मैंने सारा आपके सामने रिपीट कर दिया है अच्छा अब हम तीनों स्टेट्स को आप जमा करेंगे तो आपके पास वही Z वापस आ जाएगा अच्छा यहाँ से तो हमें प्रॉबिलिटीज का और सॉरी ये प्रॉबिलिटी है प्रोबिलिटीज का और इन चीजों का पता चल गया लेकिन अगर आपके पास फॉर एक्जाम्पल कोई ऐसी स्टेट्स हैं जो कि डी भी हैं उनकी डीजेनरेसी भी है फिर हम क्या करेंगे फिर उस सूरत हाल के अंदर आप जब Z लिखेंगे ना तो Z के अंदर आपने उसी तरह से लेट से कोई n ले लें आपने यहाँ पर एक फैक्टर जी एन इंट्रोड्यूस करना है और e टू द पावर माइनस ई एन आवर के बी टी अच्छा अब इसमें डीजेनरेसी जो है वो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जो हमारे पास स्टेट नंबर वन है उसकी डी जो है जीरो है और स्टेट नंबर जो टू है उसकी डी जो है लेट से टू है इसी तरह स्टेट नंबर थ्री है उसकी डी जो है वो वन है या थ्री है लेट से थ्री कर लें तो uh, अब इस तरीका कार से आप नंबर वो यहाँ पे आपने पुट करते चले जाना है फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको यूं करके लिख देता हूँ लेट से कि हमारे पास कोई एनर्जी uh, है पहली एनर्जी जो थी ई वन इसकी वैल्यू जीरो थी और इसकी डी जनरेसी जो थी लेट से उसकी वैल्यू वन है और E2 जो है लेट से उसकी जनरेसी जो है ना हम उसकी वैल्यू हमने भी पीछे 1.4 टू द पावर माइनस ट्वेंटी को देख लेते हैं तो उसकी डी जेनरेसी हम थ्री ले लेते हैं और टेम्परेचर हम ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए वन कैल तो अब आप अगर इसको जी इसके लिए मालूम करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे जी एन की जगह पे वन ई टू दावर जीरो प्लस थ्री ई टू दावर वन पॉइंट फोर टेन टू दावर माइनस थर्टी माइनस ट्वेंटी एट ठीक है अवर के बी क्योंकि टी की वैल्यू हमने मान ले ली है जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक आ जाएगा जो कि जी होगा सिंपली आपने यहाँ पर वो कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है अगर डी होगी तो इस तरह से आप डी के बारे में अपनी मालूम को हल करते हुए इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छा एक बात जहन में रखिएगा कि जो कैनोनिकल एंड होते हैं इनके अंदर भी आपने बोल्ट्समैन की ही टर्मिनोलॉजी यूज की थी और बोल्ट्समैन ने जैसे पीछे वाला काम हमने किया था बोल्ट्समैन ने माइक्रो कैनोनिकल एनसाम्पल्स के लिए आपको ये एक फॉर्म बना के दी थी इसमें जो W था ये नंबर ऑफ थे जो कि रेसिप्रोकल था प्रोबिलिटी का ठीक है अब ये जो आपके पास नया स्टैल्यू आया है ना जिसके अंदर हम कैनोनिकल एनसम्पल से डील कर रहे हैं इसमें भी हम बोल्ट्समैन की ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के लाश को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी तरीका कार को इस्तेमाल करते हुए हम एंट्रोपी को जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं छोटा सा टॉपिक है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एंट्रॉपी है और उस एंट्रोपी को अब हमने किसी कैनोनिकल एनसम्पल्स के लिए कैलकुलेट करना है ठीक है तो आप क्या करोगे फॉर एग्जाम्पल आप यू करो कि आपके पास ना कोई इस तरह के डिफरेंट सिस्टम है उसमें कोई एक सिस्टम जो है ना ये एक सिस्टम है और इस तरह का ये सिस्टम है इस तरह का ये इस तरह का ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं और ये इसको हम रेप्लिका बोल सकते हैं कि ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ रेप्लिका हैं यानी टोटल अगर हमारे पास एम सिस्टम हैं तो ये इसको निकाल के बाकी फिर एम माइनस वन सिस्टम हमारे पास रह जाएंगे ठीक है जी अब हम ये करते हैं कि इनके हर एक सिस्टम की अपनी एक स्टेट्स हैं क्वांटम स्टेट्स हैं और उन क्वांटम स्टेट्स के अगेंस्ट समझ लें कि आपके पास एन आई पार्टिकल्स हैं अब एन आई सिस्टम्स हैं और अब अगर आपने इन एन आई को अरेंज करना है फॉर एग्जाम्पल इन एन स्टेट्स को आपने अरेंज करना है तो इन एन आई स्टेट्स को अरेंज करने के लिए आप जो डब्ल्यू को बनाएंगे वो यू बनाएंगे ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स थी एम फैक्टोरियल नीचे था एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री फैक्टोरियल इसी तरह करते करते सो ऑन अप टू फैक्टोरियल तक आप लेके जा सकते हो यानी कि एक 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 ये स्टेट है, है, है या एन टू पार्टिकल्स एन थ्री पार्टिकल्स है तो आप डिफरेंट स्टेट्स के लिए इसको रेप्लिका के फॉर्म भी बना सकते हो अगर इसको हम माइक्रोकनोनिकल एन साम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह करके लिखें तो जब हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है कि ये कैपिटल एम जो है ना नेचुरल लॉग ऑफ एम माइनस एम बन जाएगा अब ये नीचे जो है ना एन वन एन टू एन थ्री इसको लिख दूर ठीक है ना तो ये बेसिकली इस एम से, से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यही तो है ना जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी तो जो हमारे पास अब जो रिमेनिंग एक फैक्टर रह जाता है ये याद रखिएगा कि जो एन आई है ना अच्छा तो इसका मतलब है कि अगर हम समेशन किसी सिस्टम एम के लिए सॉरी इंट्रॉपी uh, को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये बहुत इजी है कि हम इसको इस का कार से लिखें कि over M और नेचुरल लॉग ऑफ एन आई आवर एम तो अब हम स्ट्रेलिंग अप्रोक्सीमेशन अगर हम लगाते हैं और हम कहते हैं कि एन जो है वो अप्रोचेस टू इनफिनिटी है तो इसका मतलब ये होगा कि एन आई आवर एम जो है ना ये बहुत बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी ये क्या होगा वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी सिस्टम की एंट्रोपी को मालूम करना चाहते हैं और उसको अगर हम इस तरीके कार से लिखें तो ये हमारे पास के बी समन आई पी आई नेचुरल लॉग ऑफ पी आई रह जाएगा यानी एंट्रोपी जो है दैट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ठीक है जी तो ये हम प्रोबेबिलिटी के से बाकी तमाम को कैलकुलेट कर सकते हैं साथ ये w है ना नेचुरल लॉग ऑफ वन आवर डब्ल्यू आई तो ये बेसिकली वही फैक्टर दोबारा से आ जाएगा यानी के बी और नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू तो ये बेसिकली बोल्ट्समैन फंक्शन ही बन जाता है अब इससे आगे हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे पास ब्रिजिंग होती है फॉर एग्जाम्पल हमने थर्मोडायनमिक्स से जाना है आपके कैनोनिकल इंसाम्पल्स की तरफ ठीक है तो ये जो जी है ना जी ये बेसिकली अब ब्रिज का काम करेगा थर्मोडायनमिक्स के साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जैसे आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि क्लासिकल जो थर्मोडानेमिक्स है थर्मोडानेमिक्स में एक आपने कानेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस जो है ना वो माइक्रोकैनोनिकल एंड माइक्रो जो पैरामीटर्स हैं उनके और जो मैक्रो आ, स्टेट्स हैं या माइक्रो पैरामीटर्स हैं जैसे एनर्जी है उसका टेम्परेचर है प्रेशर है इसको जब वो लिंक करता है उसकी विलासिटी वगैरह के साथ पार्टिकल की के साथ गैस का बिहेवियर पार्टिकल पे ले आता है तो वो ब्रिजिंग करता है बेसिकली कनेटिक थियरी ऑफ गैसेज उसी तरह से अब यहाँ पर जो सी है ना ये ब्रिज करेगा थर्मोडानेमिकल प्रॉपर्टीज को स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो हमने यहाँ पे भी देखा था कि प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके कार से लिख सकते हैं ठीक है तो इससे हमने एस को कैलकुलेट किया था अभी एस की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपने यहाँ लिखा कि पी आई नेचुरल लॉग ऑफ पी आई और आ, अगर मैं इस इस एस की वैल्यू में अगर मैं इस आ, की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करना शुरू करूं कि अगर आ, हम इसकी एवरेज वैल्यू को लेना चाहें तो हम किस तरह का कार से लिखेंगे अब फॉर एग्जांपल अगर ये नेचुरल लॉग ऑफ पी आई है ना तो मैं जरा इसको पहले एलोबरेट कर दू नेचुरल लॉग ऑफ पी आई जो है इसको मैं कुछ इस तरीका कार से लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ले लूँ यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ले लूँ तो ये नेचुरल लॉग जो है ये e हटाएगा तो माइनस ई आई बाई के बी टी और ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जी बन जाएगा आपके पास ठीक है जी अब जरा अगर मैं इस नेचुरल लॉग ऑफ पी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ इस वाले फार्मूला में यहाँ से उठा के तो जो एस आपके पास आया वो था के बी समेशन पी आई ठीक है आप माइनस साइन है तो आप उसके मुताबिक आप इसको लिखेंगे तो ये माइनस ई आई बाय के बी टी और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जी आ जाएगा आपके पास अच्छा जी अब आप जरा अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जो वैल्यू है ना ये वाली वैल्यू इसको अगर हम इस समेशन साइन के साथ मिला के पढ़ें तो यानी अगर हम इस फैक्टर को सिर्फ देखें तो ये हमारे पास जो फैक्टर है ना ये बेसिकली एवरेज वैल्यू है क्या है दैट इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू और ये जो के बी और नेचुरल अगर के बी जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है के बी अगर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो के बी नेल लॉग ऑफ जी जो है ना तो ये जो अब जो रिमेनिंग फैक्टर है के बी नैचुरल लॉग ऑफ जी के बी के साथ भी है ठीक है तो ये जो के बी नेचुरल लॉग ऑफ जी है ना इसको हम फिर बोलते हैं अपनी आसानी के लिए कि ये हमारे पास कोई नई चीज डेवेलप हो रही है तो अभी हम इसको आगे जाके देखते हैं पहले मैं इस इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन आपके साथ कर लू की ये जो पी आई नेचुरल लॉग ऑफ पी आई है ना इसको अगर हम लिखना चाहें तो आपने इंटरनल एनर्जी को जू कुछ लिखा था ना लास्ट लेक्चर के अंदर कि दैट इज आई ये थ्योरेटिकली भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो टोटल एनर्जी होती है प्रोबेबिलिटी का सम मल्टीप्लाइड बाय द ईच स्टेट ये थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आप लोगों ने लाभ पड़ा था तो ये बेसिकली वही चीज लिखी हुई है ईच स्टेट है उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देगा ठीक है और नीचे सिर्फ उसके साथ एक टी मल्टीप्लाई हो रहा है के बी के बी से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ टी रह जाएगा तो इसको आसानी के लिए जब मैं लिखूंगा तो मैं कुछ यूं बना लूंगा कि ये बेसिकली मेरे पास इंटरनल एनर्जी बाय टी है ये वाला फैक्टर और माइनस के बी जो है इसको मैं साथ उसके लिख देता हूं ठीक है तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर हम यहाँ तक